हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आभा और आपके अपने चैनल कुक विद आभा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पार्ले जी बिस्किट से बहुत ही शानदार सी मिठाई बनाएंगे, फिर चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, सारे बिस्किट को मैंने निकाल लिया इसमें। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे, इसमें सारे बिस्किट को डालेंगे हम इस तरह से। सारे बिस्किट को मैंने पाउडर बना लिया। अब हम एक प्लेट ले लेंगे, प्लेट में हम सारे बिस्किट के पाउडर को छान लेंगे ताकि कोई टुकड़ा बच गया होगा तो अच्छे से निकल जाएगा हमारा, इस तरीके से। इस तरह से सारे पाउडर को हम छान लेंगे। ये देखिए, मैंने छान लिया, ये जो टुकड़ा बचा इसे हम हटा देंगे और देखिए कितना फाइन सा पाउडर बन गया हमारा। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। अब हम गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसमें हम दूध डालेंगे, एक कप और एक कटोरी, तीन कटोरी हम दूध डाल दिए। अब हम इसे चला लेंगे, अच्छे से चला लेंगे। दूध हमारा फुल मिल्क था, इसमें हम बॉयल आने देंगे दूध में। ये देखिए, दूध हमारा उबल गया। अब हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे, आधा कटोरी मैंने मिल्क पाउडर लिया है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसे डाल के चलाते रहेंगे, इससे ना इसका फ्लेवर बिल्कुल मावा जैसा लगेगा। इसे हम एक ही बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इस तरह से डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे हम इसे। ये देखिए, सारे पाउडर मिल्क पाउडर को मैंने मिला लिया। इसमें हम मावा नहीं डाल रहे हैं इसलिए हम मिल्क पाउडर डाल रहे हैं। मिल्क पाउडर डालने से ना हमारे मावा का फ्लेवर आएगा, बिल्कुल मावा जैसा ये लगेगा। इसे हम चला लिए। अब हम इसमें ये बिस्किट का पाउडर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, इसे चलाते जाएंगे। गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखनी है, इसे हम इस तरह से डालते जाएंगे, चलाते जाएंगे। एक ही बार में अगर हम इसे डाल दिए तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसे डाल के हम अच्छे से चला लेंगे। इस टाइम पे अगर दूध कम लगे तो थोड़ा सा दूध और डाल दीजिए आप। मैंने थोड़ा सा दूध और डाला है, दूध हम दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, पहले हमने तीन कटोरी दूध डाला था, फिर हमें दूध कम लगा, एक कटोरी हम दूध और डाले हैं इसमें। और अब ये चीनी को मैंने मिक्सी जार में डाल के पाउडर बना लिया था, अब हम इसे डालेंगे। ये मैंने एक कटोरी चीनी लिया था, इसमें फ्लेवर के लिए हम इलायची पाउडर डालेंगे, सबको डाल के हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, मिक्स कर लेंगे। अब हम इस टाइम एक चम्मच घी डालेंगे, घी डालने से ना हमारी मिठाई का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और इसमें शाइनिंग भी आएगी मिठाई में।
और हम इसमें 1 चम्मच नारियल का बुरादा डालेंगे। सबको डाल के मिक्स कर देंगे। ये मिठाई बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी होती है। इसे पता ही नहीं चलता है कि ये बिस्किट से बनी है मिठाई। इसको हम अच्छे से दबाते हुए इसे चलाएंगे। ये देखिए, ये हमारा हो गया बिल्कुल डो फॉर्म में। ये हो गया, देखिए ये बहुत जल्दी बन जाता है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में, गैस ऑफ कर देते हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया। अब हम इसे 3 पार्ट में कर लेंगे इस तरह से। इसे इसे हम 3 पार्ट में करके और इसमें हम थोड़ा सा रेड कलर डालेंगे। ये देखिए हमारा मिक्स हो गया रेड कलर। अब हम इसमें ग्रीन कलर डाल देंगे और इसमें ऑरेंज कलर। अब इन सबको हम इसको भी हम ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने तीनों में कलर डाल दिया, रेड ग्रीन येलो। अब हम इसमें थोड़ा सा घी ले लेंगे, हाथों पे इस तरह से लगा लेंगे। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे इस तरह से हाथों से दबाते हुए। हाथों के बीच में बिल्कुल रखेंगे और इस तरह से, ये देखिए इसी तरीके से हम तीनों का छोटे छोटे बॉल बनाएंगे तीनों कलर में। ये देखिए मैंने तीनों कलर में बॉल बना लिया। अब हम हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और तीनों कलर में से एक एक बॉल ले लेंगे इस तरह से, ये फिर ये इस तरह से ऐसे दबाएंगे। हम तीनों ऐसे हाथों में इसे दबाएंगे, ये, और फिर हम इसे लड्डू की तरह इसे हम इस तरह से लड्डू की तरह बना लेंगे। ये देखिए ये मिठाइयाँ बन गई हमारी मिठाई। इसे हम बीच से होल कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा इस तरह से डिजाइन बना लेंगे ऐसे। ये देखिए, और ये जो मैंने बीच में होल किया है इसमें हम काजू डाल देंगे। देखिए बन गई हमारी मिठाई। सारी मिठाइयों को हम इसी तरीके से बना। ये देखिए हमारी पाले जी बिस्किट से बने लड्डू तैयार हैं। इसे देख के कोई नहीं कह सकता है कि ये हमने बिस्किट से बनाया है। लड्डू तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन एक बार इस तरीके से आप बना के देखिए। ये बिस्किट से बने लड्डू हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।